नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कहावत सुना होगा, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। और दोस्तों, भारत को खासतौर पे रसिया से बहुत उम्मीद था कि आज नहीं तो कल रसिया मेरा साथ देगा, खासतौर पे चाइना मुद्दा पे। और दोस्तों, रसिया अब ओपनली मैदान में आ चुका है, चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना के मीडिया से लेके चाइना सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार सब हिल चुका है। दोस्तों, चाइना में आज हरकम मचा हुआ है, रसिया ने कुछ ऐसा किया है ना, पूरे दुनिया हैरान हो गया है। खासतौर पे यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन सबको लग रहा था कि रसिया यहाँ पे चाइना का साथ दे रहा है, भारत का साथ नहीं देगा, चुपचाप रहेगा। लेकिन दोस्तों, रसिया ने ओपनली कह दिया है कि हम भारत का दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। और दोस्तों, चाइना ने एक तरह से रसिया को धमकी तक दे दिया है, चाइना ने रसिया को बता दिया है कि आप एक धोखेबाज देश है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि आखिरकार हुआ क्या है और रसिया किस प्रकार भारत का साथ दिया है। दोस्तों, ये ऐतिहासिक क्षण है, सब लोग खासतौर पर भारत के आम जनता, खासतौर पर दोस्तों आज से दो दिन पहले हम भी बोले थे कि रसिया ये क्या कर रहा है, रसिया चुप क्यों है। लेकिन दोस्तों, सबका यानी कि बोलती बंद करने के लिए रसिया ने काम किया है। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं गलवान घाटी में जब से भारत का 20 सैनिक शहीद हुआ है, पूरे दुनिया भारत का समर्थन किया है और खासतौर पे शोक जताया है और बोला है कि हमें बहुत दुखी हुआ चीन के गद्दारी से। और दोस्तों, पूरे दुनिया ने भारत का प्रशंसा किया, भारतीय सैनिक का प्रशंसा किया, बोला कि किस कदर भारतीय सैनिक ने चीन को दौड़ा दौड़ा के मारा था। दोस्तों, सबको उम्मीद था कि रसिया कुछ बोले, लेकिन रसिया अब तक कुछ नहीं बोला था, इसलिए सब रसिया पे संदेह कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यह है, कल ही की बात है दोस्तों, कल ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से दोस्तों लंबी बातचीत हुई। उस बातचीत में पुतिन ने एक बार फिर कहा कि भारत और रसिया का दोस्ती हमेशा से अमर था और फिर से रहेगा, और इस दोस्ती का जो भी प्रक्रिया है उसे हम और मजबूत करेंगे, दोस्ती और बढ़ाएंगे, पूरे दुनिया जो भी सोचे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रसिया और भारत का मित्रता हमेशा के लिए बढ़िया रहेगा, उसके लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, चाइना इसीलिए चौंका हुआ है, चाइना से दोस्तों अभी तक रशिया से कोई बातचीत नहीं हुआ, पुतिन को अभी तक दोस्तों शी जिनपिंग से कोई बातचीत नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसी सप्ताह दोस्तों, आप जानते हैं आज से कुछ दिन पहले भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस के दौरे पर गए हुए थे। और बड़ी बात तो यह है कि रूस में जो विक्ट्री डे है दोस्तों, आप जानते हैं जिस प्रकार से रसिया ने जर्मनी को हराया था 1945 से पहले, दोस्तों वर्ल्ड वार के बाद में कर रहा हूँ, दोस्तों उस विक्ट्री डे को हमेशा मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि रसिया ने भारत को न्योता दिया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत हुआ था। दोस्तों, चीन उस लिए भी बखलाया हुआ था, वो बोल रहा था कि आखिरकार मुझे क्यों नहीं बुलाया, भारत को ही क्यों बुलाया। दोस्तों, चीनी मीडिया में जहर बोया गया था, चीनी मीडिया आपस में खलबली मचाया था और अपने सरकार को खासतौर पर शी जिनपिंग को घेर रहा था। और इसी बीच मोदी और पुतिन में जो बातचीत हुई ना, चीन में पूरी तरह से हरकम मच गया है। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन को बधाई दिया। आप जानते हैं दोस्तों, पुतिन ने वहाँ पे जनमत संग्रह कराया था और बड़ी बात तो यह, वहाँ पे एक कानून पास किया है, अब पुतिन 2036 तक दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति रह सकते हैं, उसे कोई नहीं हटा सकता है। पुतिन ने कानून में बदलाव कर दिया है, संविधान में बदलाव कर दिया है, अब वहाँ पे आराम से दोस्तों 2036 तक राज करेगा। मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन का पूरा समर्थन किया और बोला कि पुतिन भारत का सच्चा मित्र है। और दोस्तों, साथ ही मोदी जी ने विक्ट्री डे के लिए यानी कि रसिया में जो विक्ट्री डे मनाया गया था उसके लिए शुभकामनाएं दिया और भारत आने का न्योता दिया। और बड़ी बात तो यह है, रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इसी साल भारत आएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि चीन में हरकम मचाने के लिए काफ़ी है। रसिया के प्रधानमंत्री खासतौर पर इस समय भारत में आ रहे हैं जिस समय चाइना और भारत का टेंशन हाई पे है। दोस्तों, पूरी दुनिया बोला है कि महायुद्ध होने वाला है और दोस्तों चीन का केवल एक ही आशा था, रसिया। चीन चाह रहा था किसी भी प्रकार से रसिया हमारे समर्थन करे, हमारे साथ रहे। लेकिन इसी बीच रसिया ने कहा कि हम भारत का दौरा करेंगे। दोस्तों, चीन सदमे में है और कह सकते हैं भारत का विदेश नीति यहाँ पे जीत गया। दोस्तों, चीन एक तरफ जहाँ रसिया में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाया है, कई बड़े बड़े गैस पाइपलाइन बिछाया है, दोस्तों कई बिलियन डॉलर खर्च किया है, उसके बावजूद दोस्तों रसिया उससे चीन के पले में नहीं गया और भारत से केवल दोस्ती किया। ये बहुत ही दोस्तों ऐतिहासिक क्षण है। इन सब के अलावा दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि अब भारत सरकार ने खासतौर पर रसिया से MiG-20 लाइन लेने का दोस्तों अनाउंस कर दिया है, यानी कि रसिया से दोस्तों 33 फाइटर प्लेन लेगा, जिसमें से 21 MiG-29 फाइटर प्लेन लिया जाएगा। इन सब के अलावा 12 दोस्तों Sukhoi-30 प्लेन लिया जाएगा, यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात तो यह है कि आज से कुछ दिन पहले यानी कि आज से एक दो सप्ताह पहले चीन के जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने रसिया को सलाह दिया था कि आप इस समय भारत को कोई भी हथियार ना दें,
अगर आप भारत को हथियार देते हैं तो हम लोग समझेंगे कि आप भारत का साथ दे रहे हैं और चीन से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। दोस्तों इस तरह का बात ग्लोबल टाइम्स ने छापा था, बोला था कि रशिया सरकार चाहे तो हथियार भारत को कुछ दिन बाद दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ना दे। लेकिन दोस्तों रशिया ने अब एग्री कर दिया है कि हम भारत को 33 फाइटर प्लेन देंगे, MiG-29 देंगे, Sukhoi-30 देंगे। इन सब के अलावा भारत के 59 यानी कि 59 MiG-29 को दोस्तों मरम्मत करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसे मेंटेनेंस करेंगे, चीन को जो करना है कर ले। दोस्तों रशिया ने साफ कर दिया है कि हम भारत के साथ है, चीन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रशिया ने यहाँ पे एक बात और साबित कर दिया है, पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि पूरे दुनिया में चाहे जो भी हो जाए लेकिन भारत से मित्रता अब हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों रशिया ने यहाँ पे ये साबित किया है। और बड़ी बात यह है कि चीन को जब से पता चला है कि रशिया सरकार भारत को 21 MiG-29 दे रहा है फाइटर प्लेन, इन सब के अलावा 13 Sukhoi-30 फाइटर प्लेन दे रहा है, दोस्तों सभी से चीन ने एक बहुत बड़ा अनाउंस कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया है दोस्तों, उसने अनाउंस किया है कि रशिया का जो एक बहुत बड़ा शहर है वो चीन का हिस्सा था। दरअसल दोस्तों आप जानते हैं रशिया में एक शहर है दोस्तों, उस व्लादिवोस्तोक पे चाइना ने अपना दावा ठोका है और बोला है कि 1860 से पहले ये मेरा था, रशिया ने ज़बरदस्ती हमसे संधि कराया था और ये मेरा बहुत बड़ा शहर छीन लिया था। दोस्तों इस तरह का बात कह के रशिया पे दबाव बनाना चाहा, रशिया को घेरा है। और बड़ी बात तो यह है कि रशिया को आँख खोल दिया है, रशिया को उम्मीद था कि चाइना सुधर चुका है। दोस्तों आप जानते हैं 1969 में रशिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था जमीन के लिए, उस युद्ध के बाद दोस्तों रशिया ने चाइना को बहुत सारा जमीन दे दिया ताकि भाई आज निकल हम लोग का सीमा विवाद खत्म हो जाए। दोस्तों इसी कारण से रशिया ने चीन को बहुत जमीन दिया था और सीमा विवाद खत्म किया था। लेकिन फिर से चाइना ने रशिया के बहुत बड़ा शहर पर जो धावा बोला है ना, बोला है कि ये मेरा है ना, दोस्तों रूस के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और रूस समझ गया है कि चाइना वही कुत्ते का दुम है जो कभी सीधा नहीं हो सकता है। और दोस्तों रूस के लिए यहाँ पे खुला चैलेंज दिया है, खासतौर पे रूस के जो आम जनता है दोस्तों अब ओपनली पुतिन को घेर रहा है और बोल रहा है कि जिस चाइना को हम कोरोना वायरस के लेके पूरा समर्थन किए, जहाँ चाइना को अमेरिका बर्बाद करने पर तुला हुआ था, ब्रिटेन बर्बाद करने पर तुला हुआ था, इटली मुआवजा मांग रहा था, ब्रिटेन के साथ साथ जापान भी मुआवजा मांग रहा था, उस चाइना को हम पूरा समर्थन किए, लेकिन वही चाइना ने हमारे पीठ पीछे खंजर भोंका है। दोस्तों ये बात रशिया के आम जनता कह रहा है, थिंक टैंक कर रहा है, वहाँ के मीडिया कह रहा है, उसने कहा कि चीन को समर्थन करके मुझे क्या हासिल हुआ, चीन आदमी हमारे बहुत बड़ा शहर पे दबा ठोका है ना, ये तो एक बहुत ही बड़ी बात है ना, चीन आखिर ऐसा क्यों किया, चीन में इतना हिम्मत कैसे आया, जिस चीन पे पूरी दुनिया आज लगा हुआ चीन को बर्बाद करने के लिए, उसके बावजूद चीन रशिया के एक बहुत बड़ा शहर यानी कि व्लादिवोस्तोक को अपना बता के हमें धमकी दिया है, हमें अपमानित किया है, उसका बदला लेना चाहिए। दोस्तों अब यहाँ पे समस्या ये उत्पन्न हो रहा है, पूरी दुनिया अब कंफ्यूज है, पूरी दुनिया के तमाम थिंक टैंक का कहना है आखिरकार चाइना कर क्या रहा है, चाइना आज सबसे उलझा हुआ है, दुनिया के तमाम बड़े से बड़े देश सबसे उलझा हुआ है, भारत से उलझा है, अमेरिका से उलझा है और रशिया से उलझ गया, चाइना आखिरकार चाहता क्या है, क्या चाइना का सचमुच में अंत आ चुका है। दोस्तों एक कहावत और सुने होंगे आप लोग, जब गिद्ध की मौत आती है वो जंगल की तरफ भागता है, यानी कि जंगल से उड़के शहर की तरफ भागता है, तो दोस्तों सेम चीज़ हो रहा है, चाइना आज जानबूझ के सबसे लड़ रहा है भारत से, दोस्तों जानबूझ के लड़ रहा है, भारत से कोई समस्या था ही नहीं लेकिन जानबूझ के गलवान घाटी में समस्या उत्पन्न किया है और यहाँ तक अब रशिया से उलझ चुका है। तो पूरे दुनिया का तमाम थिंक टैंक का कहना है कि चाइना आखिरकार क्या कर रहा है, अपने पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी आज ही दोस्तों लेह लद्दाख का दौरा किया और वहाँ पर जाके बहुत बड़ा भाषण दिया और चीन को पूरी तरह से घेरा। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि विस्तारवादी नीति नहीं चलने वाला है, अब दोस्तों विकास नीति चलेगा, जो देश विकास करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो विस्तारवाद का सोचेगा उसका हमेशा खात्मा होता है, इतिहास से हम सीख सकते हैं, जो भी विस्तारवादी नीति पे काम किया है वो हमेशा बर्बाद हुआ है। खासतौर पर दोस्तों जर्मनी का एग्जाम्पल दिया है कि जर्मनी किस प्रकार से अपने देश का विस्तार करना चाहता था और किस प्रकार से बर्बाद हो गया, उसी प्रकार से चाइना को हम बर्बाद कर देंगे, हमारा सैनिक दुनिया में सबसे बड़ा सैनिक है, बहुत ही शक्तिशाली है, चीन को हराने के लिए काफ़ी है। और दोस्तों मोदी ने यहाँ तक कहा कि अब चीन का युग खत्म हो चुका है, चीन का कहानी खत्म हो चुका है, यहाँ से भारत का पूरी दुनिया में दमखम दिखेगा, पूरी दुनिया आज भारतीय सैनिक का तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया आज भारतीय नीति का तारीफ कर रहा है और यहाँ से हम पूरे दुनिया का राजनीति बदलेंगे। दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया है कि चीन का एक भी गलती अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चीन अगर एक गलती करता है तो उसे हम दो बार मारेंगे। दोस्तों मोदी जी ने ये आज साफ कर दिया है और चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। चीन को लग रहा था पहले कि ये मजाक चल रहा है,
दोस्तों मोदी जी ने साफ कर दिया कि ये मजाक नहीं है, ये सीरियस है। अब की बार तुम्हें पीछे जाना ही होगा, गलवान घाटी से पीछे जाना होगा। खासतौर पे पूरा लद्दाख मेरा है, लद्दाख भारत का आन है, शान है और मान है। लद्दाख के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों रसिया आप देखेंगे बहुत जल्द भारत को MiG-29 देगा, Sukhoi-30 देगा। इन सब के सही दोस्तों रसिया ने अब यहाँ तक कह दिया है कि बहुत जल्द भारत को हम S-400 एयर मिसाइल देंगे। दोस्तों अब यह साफ हो चुका है कि 2021 तक सब कुछ भारत में आ जाएगा, चीन कुछ नहीं कर सकता है। और दोस्तों चाइना को पता है कि भारत से अब उलझना केवल अपने आप को बर्बादी करने के बराबर है।